सब्सक्राइब कीजिए धे आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी सीएसओ द्वारा भारत में बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए गए। जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 6.1% रही है। ये आंकड़े जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच की आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण यानी PLFS रिपोर्ट के आधार पर जारी किए गए हैं। इसके अलावा पिछले 2 सालों में घरेलू खपत, औद्योगिक विकास और निजी निवेश में कमी के कारण रोजगार सृजन में कमी आई है। इस तरह रोजगार में कमी के चलते तमाम अंडर ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल डिप्लोमा और डिग्री धारक युवा अब गिग अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनते जा रहे हैं। DNS में आज हम आपको गिग अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे, साथ ही समझेंगे इससे जुड़े कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो फ्रीलांस और कॉन्ट्रैक्ट आधारित नौकरियों के आधार पर विकसित हो, उसे गिग अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अनुबंध आधारित अस्थायी नौकरियां गिग अर्थव्यवस्था के दायरे में आती हैं। अमेरिका जैसे विकसित देशों में इस तरह का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से प्रचलित है। यहां बड़े बड़े फर्म और कंपनियां अपनी जरूरत के मुताबिक काबिल कर्मचारियों को शॉर्ट टर्म के लिए हायर करती हैं और उनके काम के लिए उन्हें एक निश्चित मेहनताना दे दिया जाता है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था अभी अपने शुरुआती दौर में है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में करीब 10 मिलियन लोग फ्रीलांस के तौर पर काम कर रहे हैं। ये फ्रीलांसर्स IT आधारित कामों मसलन वेब डेवलपमेंट, वेब डिजाइनिंग, इंटरनेट रिसर्च और डेटा एंट्री में काम कर रहे हैं। साल 2018-19 में करीब 13 लाख लोग गिग इकोनॉमी के दायरे में आए हैं, जिसके कारण गिग इकोनॉमी में 30% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसमें आगे भी बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का गिग इकोनॉमी की ओर जाने का सबसे बड़ा कारण डिजिटल कम्युनिकेशन का तेजी से विकसित करना है। मौजूदा वक्त में डिजिटल कम्युनिकेशन ने भौगोलिक बाधाओं को बिल्कुल खत्म सा कर दिया है। इस नई अर्थव्यवस्था में कर्मचारियों और रोजगार प्रदाताओं यानी दोनों को फायदा हो रहा है। दरअसल जहां एक तरफ बड़ी बड़ी कंपनियां कम लागत पर काबिल कर्मचारियों को हायर कर उनसे अपना काम ले रही हैं और उन्हें पेंशन, इंसेंटिव या अन्य सुविधाएं देने की बाध्यता नहीं होती, वहीं दूसरी ओर कार्यकारी जनसंख्या को वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर मिलता है और उनके लिए रोजगार की उपलब्धता बढ़ जाती है। साथ ही गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के पास अपनी पसंद का काम करने की आजादी होती है। वे किसी भी समय अपने काम को छोड़कर कोई नया काम कर सकते हैं। महिलाओं के लिहाज से भी गिग इकोनॉमी काफी फायदेमंद साबित हो रही है। दरअसल तमाम सामाजिक कारणों के चलते भारत में महिलाओं पर ढेरों बंदिशें होती हैं और उन्हें बाहर काम करने से रोक दिया जाता है। ऐसे में गिग इकोनॉमी के तहत उन्हें घर बैठे काम का मनचाहा विकल्प मिल रहा है और महिलाएं भी अर्थव्यवस्था में अपना समुचित योगदान दे रही हैं। जहां गिग इकोनॉमी के तमाम फायदे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसकी चुनौतियों से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल काम की प्रकृति और मांग को देखते हुए इतनी बड़ी कार्यकारी जनसंख्या को प्रशिक्षित करना एक मुश्किल काम है। गौरतलब है कि भारत में करीब 50% जनसंख्या कार्यकारी जनसंख्या है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ पाने के लिए इतनी बड़ी आबादी को जॉब की मांग के अनुसार संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़े प्रयास की जरूरत होगी। गिग अर्थव्यवस्था की दूसरी चुनौती ये है कि इस पर देश के तमाम श्रम कानून लागू नहीं होते, जिसके चलते कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा का विषय मसलन मैटरनिटी बेनिफिट्स और सेक्सुअल हरासमेंट आदि पर कानून की पकड़ नहीं है। इसके अलावा गिग इकोनॉमी रोजगार प्रदाता, रोजगार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े लाभ नहीं देती। बहरहाल गिग इकोनॉमी के तहत पैदा होने वाले रोजगार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक अच्छा संकेत है। मौजूदा वक्त में देश में आर्थिक स्लोडाउन और रोजगार में कमी को देखते हुए गिग इकोनॉमी को बढ़ावा देने की जरूरत है, लेकिन साथ ही इसमें मौजूद खामियों को भी दूर करना जरूरी है। इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि गिग अर्थव्यवस्था औपचारिक या परंपरागत नौकरियों में आई कमी की वजह से विकसित हो रही है।